हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केवी लर्निंग्स में। नीट 2023 के एडमिट कार्ड रिलीज आउट हो चुके हैं। एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना है, क्या कुछ डिटेल एडमिट कार्ड में फिल करनी है, एग्जाम डेट वाले दिन एग्जाम सेंटर पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, किस तरीके के आपको अरेंजमेंट करने हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में अपने लोग देखेंगे। सबसे पहले एडमिट कार्ड को डाउनलोड कैसे करना है, तो अगर आप एनटीए की वेबसाइट पर जाएंगे, यानी कि अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे एनटीए नीट एडमिट कार्ड, तो आप लोग पहुंच जाएंगे इसकी वेबसाइट पे। यहाँ पे जो पहला वाला लिंक है, इस पर आप क्लिक करेंगे और ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे जाने के बाद आपको दिखेगा डाउनलोड एडमिट कार्ड यहाँ पे लिखा हुआ, और उसी के जस्ट नीचे रेड कलर से लिखा हुआ है डाउनलोड एडमिट कार्ड का यहाँ पे लिंक। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इसके बाद कुछ परमिशन मांगेगा, यहाँ पे आप ओके कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरनी है, और उसके बाद जो भी यहाँ पे सिक्योरिटी पिन दिया हुआ है उसको यहाँ पे फिल करने के बाद आप जब सबमिट करेंगे तो आपके सामने आएगा आपका 3 पेज का एडमिट कार्ड। अब ये एडमिट कार्ड 3 पेज का है और इसके 3 पेज आपको फोटो कॉपी करा के अपने पास रख लेने हैं। जब आप फोटो कॉपी करा लाएंगे इन 3 पेजों की, और इन 3 पेजों के पास आप कलर्ड फोटो कॉपी करा सकते हैं, तो कलर्ड फोटो कॉपी आपको करानी है। इसके बाद आपको किस तरीके से एडमिट कार्ड को भरना है उसको देख लेते हैं अपने लोग। रोल नंबर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ जो भी जनरल इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, और आपका जो एग्जाम सेंटर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम सेंटर आप एक हो सके तो एक दिन पहले ही एग्जाम सेंटर को विजिट कर लीजिए, अच्छा रहेगा। क्योंकि आप लोग अगर उसी दिन जाएंगे तो हो सकता है आपको ढूंढने में परेशानी हो, तो एक दिन पहले आप जाके देख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप किसी दूसरे सिटी से आ रहे हैं तो अच्छा होगा कि आप एक दिन पहले ही आ जाएं। नीट की इस बार जो टाइमिंग है वो हर बार की तरह सेम है, 2:00 से 5:20 तक। यहाँ पे आपको 20 मिनट इस बार ज्यादा प्रोवाइड कराए गए, हालांकि पिछली बार भी ज्यादा प्रोवाइड कराए गए थे। तो ये थी हमारे पास टाइमिंग। अब इसके बाद जो भी सेल्फ डिक्लेरेशन यहाँ पे जो फॉर्म दिया हुआ है, इसी के जस्ट नीचे यहाँ पे क्या कुछ चीजें भरनी है और क्या कुछ चीजें नहीं भरनी है उसके बारे में अपने लोग बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अपने लोगों को एक फोटो यहाँ पे अटैच करनी है, सेम उसी फोटो को अटैच करेंगे जो कि आपने एडमिट कार्ड के जो आपके टॉप पे लगी हुई है, यानी कि यही फोटो आपको यहाँ पे भी अटैच करनी है। तो फोटो प्रिंट आप निकलवा लीजिएगा और यहाँ पे आप उसको अटैच कर दीजिएगा। उसके बाद आपको लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, यानी कि थंब इम्प्रेशन आपको यहाँ पे लगाना है, और ये सारी चीजें होंगी एडमिट कार्ड को एग्जाम सेंटर पे ले जाने से पहले, ये सारी चीजें आप कर लीजिएगा। उसके बाद कैंडिडेट यानी कि आपके जो सिग्नेचर है वो वहां पे जो भी टीचर होंगे, जो भी इन्विजिलेटर होंगे उनके सामने होंगे, तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर नहीं करने हैं। पहला फोटो चिपकानी है और उसके बाद आपका जो लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन है, जो अंगूठा है उसको यहाँ पे जो पैड होता है वहां से आप यहाँ पे थंब इम्प्रेशन दे सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे पोस्टकार्ड साइज वही सेम फोटो जो आपने एडमिट कार्ड पे दिया हुआ है, यानी कि प्रीवियसली यही वाला फोटो आपको इस साइज में, जो साइज यहाँ पे मेंशन हुआ है 4x6 inches का जो यहाँ पे फोटोग्राफ है वो यहाँ पे आपको स्टिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे जो भी इन्विजिलेटर साइन है ये आपको नहीं करने हैं। उसके बाद जो कैंडिडेट सिग्नेचर है ये भी नहीं करना है, ये आपको वहाँ जब सेंटर पे आप पहुँच जाएंगे वहाँ पे आपको इन्विजिलेटर कराएंगे। तो ये तीनों चीजें करनी है आप लोगों को। पहला आपको जो सेम फोटोग्राफ है वो यहाँ पे स्टिक कर लेनी है, दूसरा आपका जो लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन है वो यहाँ पे लगाना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर नहीं करने हैं, और यहाँ पे जो भी चीजें हैं जो फोटोग्राफ है वो यहाँ पे स्टिक कर देनी है। उसके बाद आप पहुंच जाएंगे जो लास्ट पेज है हमारे पास एडमिट कार्ड का। तो एडमिट कार्ड का जो लास्ट पेज है वहां पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कई सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो बताई गई है, जैसे कि एडमिट कार्ड आपका जो 3 पेज का है तो 3 पेज आपको डाउनलोड करने हैं, उसकी फोटो कॉपी करानी है और उसी को अपने साथ रखना है। हो सके तो एक एक्स्ट्रा फोटो कॉपी आप करा कर रख सकते हैं 3 पेजेस की, ताकि अगर इमरजेंसी में आपका एडमिट कार्ड, मान लीजिए बारिश हो रही तो अगर भीग गया तो आपके पास एक सेट बना रहेगा। तो 2 सेट फोटो कॉपी कराइएगा और दोनों सेट में सेम जो चीजें हैं वो आप कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे अंदर ले जाने के लिए वाटर बॉटल ले जा सकते हैं, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होनी चाहिए। एडिशनल पासपोर्ट साइज, देखिए जब आप जाएंगे एग्जाम सेंटर पे आपके पास मिनिमम 3 फोटोग्राफ होने चाहिए, एक लगता है, बाकी अगर
वहां पे जरूरत पड़ी तो आपके पास दो फोटोग्राफ एक्स्ट्रा रखे हूँ, दो फोटोग्राफ और सेम फोटोग्राफ जो आपने यहाँ पे लगाया हुआ है ये सभी सेम फोटोग्राफ आपको लेके जाने हैं। तीन फोटोग्राफ आप अपने पाउच में रख के ले जा सकते हैं, अपने साथ ले जा सकते हैं एग्जाम सेंटर पे, वहां पे ये फोटोग्राफ स्टिक किए जाते हैं जब आपकी अटेंडेंस वहां पे लगती है। इसके बाद सैनिटाइजर आप ले जा सकते हैं, एडमिट कार्ड ले जा सकते हैं, और उसके साथ जो भी आपको जो डॉक्यूमेंट है जो कि आपकी आईडी प्रूफ हो, वो वोटर आईडी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, यहाँ पे आप अपने एडमिट कार्ड में देखेंगे तो ओनली वन ऑफ द ओरिजिनल वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, ऐसा आइडेंटिटी प्रूफ जिसमें आपकी फोटो विजिबल हो, दिख रही हो। और यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं पैन कार्ड का, ड्राइविंग लाइसेंस का, वोटर आईडी, क्लास 12th, पासपोर्ट, एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन कार्ड का, आधार कार्ड का यूज कर सकते हैं, ई आधार का यूज कर सकते हैं, और अगर आपका आधार अभी तक नहीं बना है तो एनरोलमेंट स्लिप जो कि फोटो के साथ आपको मिली होगी गवर्नमेंट की तरफ से, उसको आप दिखा सकते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाइएगा, कोई भी फोटो कॉपी, अगर कोई फोन में कोई डॉक्यूमेंट है तो वो मान्य नहीं होगा, तो ओरिजिनल ही चीजें ले जाए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको ले जाना मैंडेटरी है। इसके बाद और अंदर एग्जाम सेंटर पे आपको कोई भी डिवाइस ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके हाथों में घड़ी भी नहीं होनी चाहिए, तो सारी जो चीजें हैं वो सभी रिमूव करा दी जाती हैं। ड्रेस कोड क्या है, ड्रेस कोड एज यूजुअल नॉर्मल आप पहन के जाइए, ज्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए टी शर्ट पे या फिर पैंट पे, नॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए, जैसे कि आप लोअर पहन सकते हैं, लोअर टी शर्ट और चप्पल के साथ बिल्कुल बेस्ट। बाकी और भी जो भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके अपना अगर कोई क्वेरी रह गई है तो वो आप पूछ सकते हैं।